नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद जमादार व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं हीरो की HF डिलक्स के बारे में। पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके कलर्स की। टोटल कलर जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, सात डिफरेंट कलर में जो है हमें बाइक यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें ब्लैक एंड एसेंट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ब्लैक ग्रे स्ट्रिप में जो है हमें देखने को मिल रहा है सेकेंड वाला कलर, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स रेड ब्लैक और ब्लैक नेक्सस ब्लू कैंडी ब्लेजिंग रेड, और यहाँ पे रेड एंड ब्लैक में भी हमें बाइक अवेलेबल होते हुए दिखाई दे सकती है। और एक कलर रह गया है दोस्तों, ब्लू ब्लैक कलर भी जो है हमें इसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत ही बाइक अच्छी और खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कलर्स तो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो वेरिएंट टोटल इसके अंदर हमें 5 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं। वेरिएंट के हिसाब से जो है इसकी प्राइस यहाँ पे डिसाइड होती है। ऑलमोस्ट बाइक की प्राइस यहाँ पे 70,000 ऑन रोड से बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ऑन रोड जो है हमें 70,000 देखने को मिलेगी HF डिलक्स HF 100 की, ठीक है। और अगर आप HF डिलक्स सेल्फ अलॉय i3S लेते हैं तो यहाँ पे हमें इसकी ऑलमोस्ट 87,500 के आसपास जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो इस बाइक के अंदर हमें जो है ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, डिस्क ब्रेक हमें इसमें नहीं देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है हमें अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा एनहांस होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और भी कुछ फीचर्स की बात करेंगे तो इस बाइक में हमें जो है इंजन कैपेसिटी देखने को मिलती है 97.2 सीसी का, यानी कि ऑलमोस्ट 100 सीसी का जो है इंजन हमें इसमें देखने को मिलेगा। ज़्यादा बड़ा इंजन नहीं होने की वजह से माइलेज हमें बहुत ही अच्छी इसके अंदर देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट 65 KMPL की, यानी कि 1 लीटर के अंदर 65 किलोमीटर जो है गाड़ी आप रनिंग कर सकते हैं। स्प्लेंडर प्लस से भी ज़्यादा जो है माइलेज हमें जो है HF डिलक्स का देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो 4-स्पीड मैनुअल जो है हमें इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, यानी कि गियर्स देखने को मिलते हैं। और बाइक का वेट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट स्प्लेंडर प्लस के हिसाब से ही सेम टू सेम रहेगा, 110 kg का जो है बाइक का वेट है, लाइट वेट जो रहेगी बाइक रहेगी, इसकी वजह से हमें इसका माइलेज भी जो है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 9 लीटर जो है आप इसके अंदर फिल कर सकते हो, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9 लीटर की रहेगी। और सीट की हाइट बात करेंगे तो 805 mm की इसकी सीट की हाइट जो है दोस्तों होने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है उसकी, तो 165 mm का जो है हमें इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अभी देखिए दोस्तों, गाड़ी तो आप ले लेते हो लेकिन इसके अंदर हमें वारंटी भी देखने को मिलती है। जब भी आप कोई भी बाइक खरीदते हो तो स्टैंडर्ड वारंटी जो है इसकी 5 साल की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे हम किलोमीटर्स पे बात करेंगे तो 70,000 किलोमीटर तक जो है इसकी स्टैंडर्ड वारंटी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी फीचर देखा जाए तो यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है क्या? नहीं मिलता है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है एनालॉग का हमें मिलेगा, ओडोमीटर एनालॉग का रहेगा, स्पीडोमीटर भी जो है एनालॉग का हमें देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों यहाँ पे जो है अगले वीडियो में आपको कवर करूंगा। और दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप एंजल वन अपस्टॉक्स में फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं बाइक्स के, कार्स के, रिव्यूज़ के, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।